एक बात बताऊं मैं आप लोगों को कि हम जो खाना खाते हैं उसे हमें फैट में कन्वर्ट नहीं करना होता है, उसे हमें एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। और हम ही लोग होते हैं जो हमारे खाने को या तो हम फैट में कन्वर्ट करें या फिर हम एनर्जी में, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि एनर्जी में कन्वर्ट हो, उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। आपको कुछ आपके जो सुबह उठते ही जो आदतें हैं उन्हें हल्का सा आपको चेंज करना होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो खाना आप खाएंगे उससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, उससे आपके अंदर एनर्जी आएगी, ना कि वो फैट के रूप में जमेगा। तो आज मैं आप लोगों को आपकी कुछ आदतें बताऊंगी जिन्हें आपको चेंज करना है। सेकंड, मैं आप लोगों को एक्सरसाइज भी करके दिखाऊंगी जो आप बेड पे लेटे लेटे बड़े आराम से कर सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे आपके घुटनों में पेन है, कमर में पेन है, तो भी आप इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो चलिए फिर ज्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ जाती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अच्छा, जो खाना हम खाते हैं वो फैट में कन्वर्ट कब होता है? टिप नंबर वन है ये आपका, वो फैट में तब कन्वर्ट होता है जब हम गलत पोस्चर में बैठते हैं। गलत पोस्चर बोले तो क्या होता है, तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कैमरा नीचे करके थोड़ा सा, ये देखिए मैं अभी फिलहाल के लिए कैसे बैठी हूँ, मैं ऐसे ही बैठी हूँ, बैठी हूँ ना, मतलब कि कमर को सीधा करके। कई बार हम क्या करते हैं, अपनी कमर को ऐसे करके बैठते हैं, देखिए थोड़ा सा फैट निकल आया ना। तो ये क्या करता है, आप जो खाना खाते हैं ना उसको जमने का एरिया मिल जाता है, ये खाली एरिया हो जाता है फिर यहाँ से, और फिर आप बोलते हैं कि आपका जो बैली फैट है वो निकल रहा है। तो ऐसे एक करने से क्या होगा, यहाँ पे भी आपके फैट आ जाएगा और यहाँ पे भी आपके फैट आ जाएगा, क्योंकि फैट को जगह मिल जाएगी सेटल होने की, जमने की। तो आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं बैठना है, आपको कैसे बैठना है, हमेशा ऐसे। हल्की सी दिक्कत आएगी आपको, लेकिन बहुत अमेजिंग तरीका है स्पेशली अपने बैली फैट को कम करने का और अपनी कमर को कम करने का। आप देख सकते हैं फिलहाल मेरा जो स्टमक है बिल्कुल फ्लैट है, क्योंकि मैं हमेशा इसी पोस्चर में बैठती हूँ, जो कि बहुत बेनिफिशियल होता है। इससे आपकी जो नसें हैं वो बिल्कुल ऐसे तन जाती हैं और उनके अंदर फैट नहीं जमता है, उनके अंदर ब्लड ऐसे भागता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है आपका जो खाना होता है। पहला स्टेप आपका ये होगा। सेकेंड, आपकी एक्सरसाइज, और वो कैसे करनी है वो भी चलिए देख लेते हैं। तो चलिए फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए आपको अपने दोनों पैर इस तरीके से मिला लेने हैं जैसे मैंने मिलाए हैं, और ये जो पैर है आप रख लेंगे बेड पे, बेड पे ही आपको एक्सरसाइज करनी है। और फिर ये जो हाथ हैं आपके, ये जाएंगे आपकी गर्दन के नीचे, और सिर्फ आपको आपकी गर्दन उठानी है। आपके पैर इसी तरीके से रहेंगे जुड़े हुए, जैसे फ्रॉग लेग होती है ना, ऐसे जोड़ के आपको रखना है, और खाली पेट करनी है आपको एक्सरसाइज। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब आप ये बोलेंगे कि ये जो एक्सरसाइज है ये सीधे पैर होके भी हो सकती है, पक्का हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने पैर को ऐसे फ्रॉग के टाइप करके करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, ये जो एरिया है आपका ये स्ट्रेच हो जाएगा बिल्कुल, ये जो तोंद निकलती है ये बिल्कुल अंदर चली जाएगी, बिल्कुल आपका जो पेट है वो स्पॉट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ये एक्सरसाइज करनी है। हमेशा आप बोलते हैं मुझे कि हमें पता नहीं चलता कि एक्सरसाइज कब करनी है, कितनी करनी है, कितने सेट करने हैं। आपके अंदर जितना स्टेमिना है ना, आप उतनी एक्सरसाइज कीजिए। स्टार्टिंग आप थोड़ी कम से कीजिए, बाकी आप करते जाएं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कितनी देर तक करती हूँ, मैं 3 सेट करती हूँ, मैक्सिमम 4 सेट हो जाते हैं, और 1 सेट के अंदर मैं 30 टाइम जरूर करती हूँ। ओके, तो ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, पैर आपके इसी तरीके से रहेंगे। आप देख सकते हैं मैं पहले से पतली हो गई ना, ये सारी चीजें पतली, तो मुझे खुद फील हो रहा है, और ये सारा कमाल है एक्सरसाइज का। ओके, ज्यादा बातें कर दें, आपको एडी उठा लेनी है, ठीक है, और हाथ आपके सीधे रहेंगे, और फिर 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब कि आपको एडी नहीं रखने हैं नीचे, सिर्फ पंजे इस तरीके से रखने हैं, फिर ऊपर लेके आने हैं जल्दी जल्दी, फिर ऊपर लेके आने हैं, और ऊपर जैसे ही आता है आपको सांस छोड़नी है, तो ये वाली एक्सरसाइज भी आपको 3 सेट में करनी है, 1 सेट में आपकी मर्जी है कि आप कितना करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी सेकंड एक्सरसाइज, आप 1 सेट में 20 टाइम जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो ये बेली फैट है ये प्रॉपरली तरीके से कम होना शुरू हो जाएगा। ये थी हमारी थर्ड एक्सरसाइज, ओके, थर्ड या टू जितने भी थी, ओके। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, आपको आपकी लेग बिल्कुल सीधी रखनी है, ठीक है। सीधी रखने के बाद क्या करना है, 1, 2, थोड़ी सी हार्ड है, मतलब आपको यहाँ पे हल्का सा मसल स्पेन हो सकता है, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल है, होने दीजिए। जितना यहाँ पे जोर आएगा ये पेट आपका पतला होता जाएगा। तो ये एक्सरसाइज ऐसे ही करनी है, बिल्कुल सीधे पैर करने हैं, 1, 2, 3, बहुत जोर लग रहा है, 4, 5, 6, 7, और फिर धीरे से आप नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर से हम करेंगे बिल्कुल एकदम सीधा, अगर ना हो पाए तो आप रेस्ट दे सकते हैं खुद को 10 सेकंड के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और नीचे। तो ये एक्सरसाइज आपको डेफिनेटली करनी है, बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा, रिजल्ट्स आपको 5 या 6 दिन में 100% मिल जाएगा, अगर आप टिप भी फॉलो करेंगे और ये वाली जो एक्सरसाइज है ये भी अगर आप फॉलो करते हैं, तो इन्हें आपको जरूर करना है। वीडियो कैसा लगा है आप लोगों को मेरे साथ आपको जरूर शेयर करना है, हमेशा कमेंट्स में देखती रहती हूँ, कोई रिप्लाई देगा, कोई बताएगा कौन सी रेमेडी ने फर्क दिया है, कौन सी एक्सरसाइज करके आपका वजन कम हुआ है। बहुत सारे हैं मेरे सब्सक्राइबर जो अपना फीडबैक मुझे देते हैं, मुझे बहुत पसंद आता है, तो जो लोग नहीं देते हैं ना वो भी कान खोल के सुन लीजिएगा कि आपको अपना फीडबैक मुझे देना है, देना है, देना है और देना है और देना है। ये था आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो में, तब तक ले बोलता पानी में, खुश रहें, खुश रखें, बाय।